बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। जो लोग ठीक नहीं हैं अल्लाह पाक उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन। सो फ्रेंड्स, अभी यहाँ पर जो हो रही है किचन की सफ़ाई हो रही है, भाभी कर रही थी यहाँ पर, सारे चूल्हे वगैरह और वॉल्स वगैरह जो हैं सारी धो ली थी उन्होंने। वेलकम बैक। अभी यहाँ पे जो दीवारें गंदी हो रही हैं इसको अभी मैंने क्लीन करना है, तो वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। काफ़ी गंदी हो रही है, मैं फ्लैश लाइट ऑफ करके दिखाती हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं हो रही है, बस नॉर्मली हो रही है। तो इनको ही हम थोड़े बहुत जो दाग हमारे लगे हुए हैं, जिसके ये लगे हुए हैं लगा हुआ है, तो इसको मैं साफ़ करूँगी, वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बस आज का व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। सो हमें स्टार्ट कर दिया है और अभी धूप आ रही है बाहर से गैलरी में से, तो इसलिए जो टाइल्स हैं इनमें ब्लू ब्लू शेड्स आ रही है। बाकी ये ना मुझे यहाँ अच्छा लग रहा था, तो मैंने सोचा ये ना यहाँ अच्छा लग रहा था तो हम मतलब चेंज कर रहे थे, बट अभी फ़िलहाल उन्होंने जल्दी जल्दी सफाई कर दी, उसके बाद जो है हम कर लेंगे क्या चीज़ कहाँ अच्छी लग रही है। बाकी सारा क्लीन है, नीचे से भी सब क्लीन क्लीन कर दिया। ठीक है जी, यहाँ से भी क्लीन। ये बड़ा भी हो जाता है, जो सारी गंदगी थी वो नीचे आ गई है। और ये जो हमारा डंडा है इसको मैंने बड़ा कर लिया था, अब छोटा कर लिया। जब दिल चाहे बड़ा कर लो, जब दिल चाहे छोटा कर लो। और सबसे मेन चीज़ ये है, ऐसे मैं करती हूँ चश्मा लगा के, चश्मा कह लें, गूगल कह लें, ग्लासेस कह लें, जो दिल चाहे इसको कह लें, ये बुरा बिल्कुल नहीं मानता, इसको बुरा नहीं लगता। मैं सफाई कर रही हूँ क्योंकि मेरी आँख में जो है मिट्टी ना जाए, तो ये वाली अच्छी वाली टिप है। ठीक है, इतने टाइम से मैं दीवारें जो है रूम की वो साफ़ करने का सोच रही हूँ, क्योंकि हमने जो है अच्छा वाला कलर करवाया था तो उससे ना साफ़ हो जाती हैं। अब मुझे कपड़ा तो उससे तो मुझे करनी नहीं थी, मुझे फ़ोम चाहिए था बट फॉर्म मिल ही नहीं रहा, लेकिन आज मैंने सोचा किसी भी कपड़े से मैंने कर देनी है बस, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा गंदी लग रही थी। और जब मैं कपड़े से स्टार्ट करना शुरू हुई तो फॉर्म भी मुझे मिल गया था मार्केट में, फिर बच्चों से मंगवाया वो लेकर आए तो फॉर्म मुझे मिल गया था, तो आधा तो मैंने कर ही लिया था सारा काम और आधा जो फॉर्म है उसे कर लिया था। चलो नेक्स्ट टाइम जो है फॉर्म तो आ गया है, वो हमारे काम आ जाएगा और हम जो है सारी वॉल्स जो है उसे साफ़ कर लेंगे। सो फाइनली यहाँ पे जो है भाभी ने सहन की सफाई कर ली थी, क्योंकि मैं तो झाड़ के इतना थक गई थी, तो रूम की जो झाड़ू है मैंने लगाई थी और जो गैरली की भाभी कहनी थी मैं लगा देती हूँ, क्योंकि मेरी फिंगर में तो पहले ही लगी हुई थी। भाई जो दीवारें मैंने साफ़ की थी अभी बिल्कुल पूरी साफ़ हो गई हैं वो। ठीक है जी, बिल्कुल क्लियर है। उसके ऊपर मैंने शॉपर मैंने डाल दी थी वहाँ पर, ताकि मिट्टी जो है गमले के ऊपर ना गिरे। बाकी सब ये सारा क्लीन क्लीन है। उसके बाद खाना बनाने की बारी आई, तो ये था कि आज दोनों थक चुके हैं, क्योंकि भाभी ने जो है किचन साफ़ किया था और मैंने जो है रूम को झाड़ा और गैरली वगैरह जो भी ऊपर सारे चाले वगैरह थे, फैंस वगैरह वो साफ़ किया, तो थक चुके थे दोनों ही। तो मैंने कहा कि ना चलो दाल बना लेते हैं आज, और दाल का दिल भी चाह रहा था तो दाल बनाने की यहाँ पर तैयारी कर रही थी मैं। जल्दी जल्दी मैंने उसको छील ली उफल्ला गलत सलत बोल देती हूँ मैं, तो इतना ज़्यादा कचरा तो होता नहीं है इसमें भाई, कचरा पचरा तो इतना नहीं होता, लेकिन फिर भी करना चाहिए क्योंकि कंकर आ जाते हैं ना फिर डांट पड़ती है।
तो यहाँ पे मैंने वॉश करूँगी। कुछ लोगों को मैंने देखा है वो लोग दाल को धोते नहीं हैं, डायरेक्ट पका लेते हैं। बड़ी गंदी चीज़ लगी मुझे भाई ये तो, लेकिन हमारे यहाँ तो भाई सब चीज़ें धो के बनती हैं। बट बनती सबके यहाँ अलग अलग डिफरेंट स्टाइल से। हमारे यहाँ इसको पानी में डाल देते हैं और बॉयल आने तक ये बनती रहती है। तो पानी के अंदर हमने नमक डालना है और मिर्चें डालनी है। मिर्चें जितनी खाते हैं उतनी डालनी है, हमारे यहाँ तो कम खाई जाती है तो हम कम डालते हैं। नमक डालें, हल्दी डालें, नमक, हल्दी, मिर्चें ये सब डाल के और पानी डाल के इसको बॉयल आने तक रख दें और फिर ढक के इसको रख दूँगी मैं। तो जी आज का व्लॉग जिन जिनको अच्छा लगे लाइक कर देना, वीडियो को सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और जी और जी और क्या बोलूँ मैं आप लोगों से। फिर दाल रखने के बाद मुझे लग रही थी भूख, क्योंकि इतनी ज़्यादा सफाई करके तो भूख ही लगेगी। तो यहाँ मैं कैंडी बिस्किट खा रही थी, वो कैंडी बिस्किट मुझे सही लगता है, अच्छा लगता है। और सीरियल भी देखा जा रहा था। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमने स्टडी टाइम कर लिया, क्योंकि मैं नाइट स्टडी कर रही थी तो थोड़ी बहुत जो ना उसके साथ मैं भी पढ़ रही थी। सो सारे काम जो हैं ऑलमोस्ट हो गए हैं और अभी जो टाइम हो रहा है आठ सिर्फ भगा ले गया है, वो भी भाई अभी नहीं आए जॉब से, इस वजह से हम करते हैं अब आराम। सो खाने का मेन्यू ये है, हमारी चिकन बिरयानी इतनी यम्मी बिरयानी थी, और जो हमारी मम्मी जी हैं, हमारी अम्मी जी हैं वो लेके आई थी, और सैलेड भी इतना यम्मी सा था, और बेसन की रोटी बनाई थी तो उसकी चटनियाँ दोनों बची हुई थी तो हमने दाल के साथ खा ली। सो वीडियो को यहीं करते हैं। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। और यहाँ पर लेटे हुए हैं रोहान, टिकटॉक बनाने आए हैं अपनी चाची के रूम में। सो गाइस नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह आप लोगों को जल्दी। अल्लाह हाफिज़। वैसे तो मैंने अल्लाह हाफिज़ बोल दिया था, बट यहाँ पे शूट हो रहे हैं टिकटॉक पे, तो मैंने सोचा थोड़ी सी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। टिकटॉक ने दुनिया को फॉलो किया हुआ है। जैसे हम